सबसे पहली चीज गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स ठीक है डायरेक्टली एनसीआर की रीडिंग नहीं करनी होती है मैं आपकी एनसीआर ही फॉलो करती हूँ लाइन बाई लाइन उसी एनसीआर को आपको पढ़ना भी है एक्चुअली में तो आप उसी एनसीआर के क्या करोगे इन वीडियो लेक्चर्स देख करके नोट्स बना लोगे उन नोट्स को उठा करके बैठना है और इसी एनसीआर बुक को उठा करके बैठना है और फिर रीड करना है देन यू विल डेफिनेटली गोना नॉर दिस एन बुक आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन जो लिखी है इसका मतलब क्या है इसमें वो आपको बताना क्या चाहता है और इस लाइन से पर्टिकुलरली क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं सेल्स hey कैसे हो आप सब आई होप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप काफ़ी अच्छी चल रही होगी मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू खुशबूमा बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको एन रीडिंग एक्चुअली में करनी कैसे है जैसे कि आपके बाकी सारे मास्टर टीचर्स और मैं भी इंक्लूडेड यही बोलना चाहूँगी आपको कि आप सबको पता है क्लास इलेवेंथ में आपने पी ली है दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने नीट के लिए प्रिपेयर रहोगे और आपके नीट के लिए तो भाई एनसीआर इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको थ्री सिक्सटी में से थ्री सिक्सटी मार्क्स लेकर के आने होते हैं तो उस तरीके से किस तरीके से आप अपनी एनसीआरटी को डी करके पढ़ोगे कैसे आपको पढ़ना है ये आज मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही छोटा सा सेशन है ज्यादा लंबा टाइम आपका नहीं लूंगी ताकि वेस्ट ना हो और बस ध्यान से इस पूरे सेशन को सुनना और समझना कि किस तरीके से एक्चुअली में हमें एनसीआरटी रीडिंग करनी है ठीक है तो भाई एनसीईआरटी आपकी कुछ इस तरीके से प्यारी सी बुक दिखती है आपकी ये है क्लास ट्वेल्थ की और वो है आपकी क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी है ना तो इस चैनल पे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग वेदांतू क्लास इलेवन से करी है क्लास इलेवन से की है तो आपको क्लास इलेवेंथ की बुक की ही बात चलो मैं कर लेती हूँ एन की देखो ये जो आपकी एन की बुक्स है ना इसमें इतना अच्छा कॉन्टेंट और इतना सारा कॉन्टेंट दिया हुआ है लेकिन प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये आती है कि जब भी आप इन एन को पढ़ने बैठोगे तो आपको नींद आने लगेगी आपको ये सब कुछ कहानी जैसा लगेगा, और जब कहानी हम पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं ताकि हमें नींद आ जाए तो हमें सोना तो है नहीं क्यों क्योंकि क्यों हमें तो नीट की प्रिपरेशन करनी है तो नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको इन बुक्स को कैसे यूटिलाइज करना है वही बताती हूँ सबसे पहली चीज गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स ठीक है डायरेक्टली एन की रीडिंग नहीं करनी होती है अगर आप लोगों ने डायरेक्टली एन की रीडिंग करी तो बस जितनी उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है ना पैराग्राफ फॉर्मेट में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है एक तो सबसे पहले आप उसको डिसफर नहीं कर पाओगे और दूसरी चीज़ आपको उसको पढ़ करके नींद आने लगेगी क्योंकि वो कहानी जैसा लगेगा तो सबसे पहले क्या करना है फॉलो आर चैनल वेदांतु क्लास इलेवन क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी करवाऊंगी तो बस गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स फर्स्ट सबसे हमें पहले क्या करना है अपने लेक्चर्स पे फोकस करना है एंड दैट टू द वीडियो लेक्चर्स जो भी आपके चैनल पे होंगे उसके बाद लेक्चर्स में जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ हर एक चीज को उसको आप रफ वर्डिंग्स uh, में या रफ तरीके से लिख सकते हो या फिर उन्हीं के ही आप क्लास नोट्स बना सकते हो स्टिकी नोट्स यूज करके मतलब जिस तरीके से भी आप नोट्स बनाते हो जो भी ट्रिक फॉलो करते हो उस तरीके से उन लेक्चर्स से आप अपने क्लास नोट्स प्रिपेयर करो क्योंकि मैं आपकी एनसीआर ही फॉलो करती हूँ लाइन बाई लाइन उसी एनसीईआरटी को आपको पढ़ना भी है एक्चुअली में तो आप उसी एनसीईआरटी के क्या करोगे इन वीडियो लेक्चरस देख करके नोट्स बना लोगे अब आपने नोट्स बना लिए अपने क्लास के ठीक है आपने सेकंड स्टेप क्या किया क्लास के नोट्स बना लिए नोट्स बनाने के बाद भाई आप सब लोगों को पता है कि रिविजन इज द की टू सक्सेस और सिर्फ इतनी सी लाइन नहीं है आप सबको पता है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपको नीट में पढ़ने के लिए मिलेगी वो सब आपके सर से बाउंस हो जाने वाली है अगर आपने टाइमली रिविजन नहीं किया तो बस जब भी रिविजन करने बैठना टाइमली एक चैप्टर खत्म हुआ या एक टॉपिक भी खत्म हुआ उसके नोट्स आपके प्रिपेयर हो गए नोट्स को एक बार चेकआउट करो और उन्हीं नोट्स को आपको लेकर के बैठना है इस प्यारी बुक्स के इस प्यारी बुक के साथ

आप नए नए हैं अभी आपने रिसेंटली में ही अपने नीट की प्रिपरेशन शुरू करी है तब तो ये सच में आपको फॉलो करना चाहिए पहले गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स से जब आपका पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए आपके क्लास के नोट्स प्रिपेयर हो जाए जहां पे वो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं जैसे कि हमारे इस क्लास इलेवन चैनल पर मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इसी पूरी एन बुक को हम डेसिफर करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं तो जब आपके ये क्लास नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे उन्हीं क्लास नोट्स को लेकर के आपको ये बुक रीडिंग करनी है जो भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है उस चैप्टर के अंदर लिखा है उसको लाइन बाय लाइन रीड करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपने एक्चुअली में उन वीडियो लेक्चर्स में देख करके पढ़ा क्या था इसी तरीके से आपको एनसीआरटी की रीडिंग करनी है एंड उसके बाद आपको बोलूंगी देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इन चैप्टर तो पूरा रीड कर लेते हैं लेकिन एक गलती ये करते हैं कि वो समरी छोड़ देते हैं चैप्टर के एंड में जो आपकी समरी गिवन होती है 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 उसको पढ़ना बहुत जरूरी क्यों क्योंकि पता है? क्या पता होता क्या होता कि कभी कभी समरी में वो लाइन गिवेन होती हैं जो आपके एंटायर चैप्टर में नहीं गिवेन है और क्या पता आपके एग्जाम में उसी एक पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन आ जाए और आप सबको पता है एनसीआर की एक एक लाइन कितनी मायने रखती है उस एक-एक लाइन से किस तरीके से घुमा फिरा करके क्वेश्चन बन सकता है तो बस चैप्टर रीडिंग करने के साथ-साथ आपको समरी भी रीड करनी है अच्छे से ताकि कोई भी पॉइंट अगर आपके वो चैप्टर में नहीं गिवन था तो वो समरी रीड करके आपको समझ में आ जाए वो आपसे मिस आउट ना हो जाए ये तो हो गए उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी-अभी नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है लेकिन जो बच्चे पहले से ही नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिन्होंने ये बुक तो पता नहीं कितनी बार पढ़ ली होगी आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ये तो फॉलो कर ही रहे होगे जिस तरीके से मैंने चीज़ें आपको बताई लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है एनसीईआरटी बुक को उठाना है जैसे कि मैं करती थी मैं अपने टाइम पे जब भी पढ़ती थी कोई भी टॉपिक क्लियर करती थी बुक उठाती थी और पैराग्राफ रीड करती थी और जब पैराग्राफ रीड करती थी खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई करती थी कि इस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से कितने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन मेरे बन सकते हैं तो बस आपने एनसीईआरटी पूरी रीड कर ली है तो इसी एनसीईआरटी बुक को एज अ आंसर आंसर पीडीएफ या फिर आंसर बुकलेट आपको समझना है जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर गिवन है और बस जब भी आप जो टॉपिक रीड कर रहे हो जो चैप्टर रीड कर रहे हो कुछ भी रीड कर रहे हो जो भी आप रिवीजन uh, कर रहे हो बस उन टॉपिक से ढूंढो कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है आपका जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कैरोलस लीनियस ने uh, जो है वो फादर ऑफ टेक्सोनमी माने जाते हैं तो आपको पता है कि फादर ऑफ टेक्सोनमी कौन माने जाते हैं कैरोलस लीनियस जी उन्होंने कौन सी बुक में अपना प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था फिलोसफिका बोटानिका बु, में उन्होंने अपने इन्हीं टेक्सोनॉमी प्रिंसिपल नॉमन के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था तो इस तरीके से आपको एनसीआर रीड करनी होती है और ये मैं आपके लिए भी बोलूंगी जो बच्चे अभी अभी, अभी नीट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि देखो जब तुम खुद से उ, उस बुक को रीड करना स्टार्ट करोगे इस प्यारी सी बुक को रीड करना स्टार्ट करोगे उस पैराग्राफ से आपके दिमाग में अपने आप ही स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है इससे ये क्वेश्चन बन सकता है ये

उठा करके पढ़नी होती है तो वो इतनी गंदी हो चुकी होती है कि जो आपने लिखा होता है वही आपको नहीं समझ में आता है है ना तो क्या करना है इस बुक में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी जो डेट्स हैं आपकी बस उनको अंडरलाइन करो इससे क्या होगा आपके डेट्स जो आप चीज़ भूल जाते हो देखो हर एक बच्चे का अपना अपना आ, पढ़ने का तरीका होता है बस आ, किसी बच्चे को डेट्स नहीं याद होती तो उसने डेट्स को अंडरलाइन कर लिया किसी बच्चे को नाम नहीं याद होते तो उसने नाम पे हाईलाइट कर लिया तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ लर्न करने में प्रॉब्लम आती है बस उसी चीज़ को आपको हाईलाइट करना है डेट्स को नेम्स को ये नहीं कि पूरी बुक ही आप लोगों ने लाल पीली हरी गुलाबी गुलाबी आंखों की तरह क्या था हरी कर दी पूरी मतलब कलर कर दी पूरी ऐसा नहीं करना है आपको ठीक है बुक को थोड़ा नीट एंड क्लीन रखना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख रहे हो या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लिख रहे हो स्टिकी नोट का यूज़ कर लो भाई स्टिकी नोट पे लिख करके उस पेज पे चिपका दो तो जब भी उस बुक को पढ़ने बैठोगे तो याद रहेगा कलर कोडिंग यूज़ कर सकते हो भाई स्टिकी नोट्स की रेड कलर स्टिकी नोट्स आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए येलो कलर के स्टिकी नोट्स में आपने वो क्वेश्चन लिख लिए जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं ब्लू कलर के स्टिकी नोट्स में आपने वो क्वेश्चन लिख लिए जो आपसे गलत हुए थे तो इस तरीके से स्टिकी नोट का इस्तेमाल करो लिखने के लिए बुक को क्यों गंदा हो बुक तो आपको रीड करनी है ना उसको इतना गंदा स्क्रिबलिंग कर दोगे उसमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी ये प्यारी बुक को रीड करना है तो बस ऐसे ही अमेजिंग सेशन आपको आ, हमेशा मिलते रहेंगे इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इसी चैनल के सॉरी इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन कर लो क्योंकि जब भी मैं ऐसे अमेजिंग सेशन लेकर के आऊंगी आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और अगर इन केस आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है किसी भी डाउट के रिगार्डिंग या कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है वहां पे मुझे आउट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी डाउट को लेकर के तो बस अब जाते जाते क्या करना है मैम के सेशन को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में तो